पता नहीं। अच्छा यहाँ पे सब काम के बारे में बात करें तो सबके बारे में सॉरी, मैं अगर इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज। मैंने उनके साथ में 15 साल हो गया मुझे काम करते हुए। मेरी दादी कहती थी कि काम आदमी का कैसा भी हो लेकिन उसके साथ इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए। फरीदुन सर उनमें से ही थे। एक बार मैं इनके साथ में फ्रांस गया था। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, एक्चुअली मेरी बीवी से शेयर किया। मैं इनके साथ फ्रांस गया और वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू करके रैपअप कर लिया था। फिर हम लोग आ रहे थे तो एक शॉप थी, वहाँ पे टॉय मिल रहे थे, मतलब टॉयस वगैरह। यहाँ पे कितने लोगों को मालूम होगा कि मेरी 2 बेटी हैं। तो मुझे एक डॉल पसंद आई छोटी सी की चैन की, तो मैंने वो की चैन उठाया और मैंने देखा, लेकिन वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा था। और मैंने एक बड़ी डॉल भी देखी थी, फरीदुन सर ने देख लिया था वो डॉल। मैंने वो किचन ली, सर बोले ये ले लो, तो बोला हाँ सर। लेकिन फरीदुन सर ने वो बड़ी वाली डॉल देख ली थी। मैंने वो किचन फरीदुन सर को दी, फरीदुन सर ने वो ले ली और मुझे बोले ये तुम रखो। और उन्होंने बाद में वो बड़ी डॉल भी ले ली थी, और वो बड़ी डॉल उन्होंने मेरी बेटी के लिए ली थी। और उन्होंने कहा कि ये मत बोलना अपनी बेटी को कि ये डॉल मैंने दी है, तुम बोलना वो तुमने दी है। उस दिन से मेरे दिल में इनके लिए, पता नहीं, एज अ फादर बोल सकता हूँ कि हाँ, कि इन्होंने मुझे काफ़ी, सॉरी मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं इसीलिए कैमरे पे आ भी नहीं रहा था। और आप लोग सब मुझे जानते होंगे कि मैं कैमरे पे आता भी नहीं हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा एक लाइन में कि थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपसे जो सीखी है, आप मुझे बोलते हैं लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने आपसे टाइम का कंट्रोल होना सीखा है। टाइम मतलब टाइम। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगा कि मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, बोलना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे इनके साथ में गया हूँ, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी, कि जहाँ पे सेलिब्रिटी खड़ा हो रहा है और सेल्फी इनके साथ ली जा रही है, मतलब सेल्फी फरीदुन सर के साथ में ली जा रही है। मैं ज़ुबान की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म आई थी जिसे विकी कौशल, आप लोगों को मालूम है, मैं सर के साथ में गया चंडीगढ़, तो वहाँ पर सर के साथ में लोग बाग पर विकी कौशल ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं और उनके साथ में सेल्फी ली जा रही है सर के साथ में। चाहे वो दुबई हो या कहीं भी हो, हम लोग कैफे डे में बैठे हों, आप यकीन नहीं करेंगे, प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटर तक आने के बाद बोलते हैं सर बॉलीवुड में हूँ, हाँ फरीदुन सर, हाँ आपके इंटरव्यू देखें सर, एक की वजह से। मेरे पास इनके रॉ फुटेज इतने होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे, जो कि मैंने खुद लिए सेल्फी लेते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। याद तो आते रहेंगे। So as Tahir said, yes, as Tahir said, Faridun has become a celebrity in himself. In fact, I remember we were going through some CVs in between to hire people in the content team. And the first question, like 3 or 4 of them asked me is, will this be in part of Faridun sir's team? I'm like, no. Will I get to work with him? I'm like, probably yes. पर फोटो तो मिलेगा ना उनके साथ। I was like, listen, I'm calling you for a job. And they're like, yeah, but will you get to work and meet them? Like, if he's coming to office, he will. One person actually said no to the job because they would not be working with you. And I told them that you don't come to office on a regular basis unless there's a shoot. So he actually said no. Then in that case, I don't want a job. Yeah. I remember those 300 odd CVs we went through. So this was from that. Interesting to know that you see a evolution of a person in the growth of a person. Today, Bollywood Hangama is Faridun and was Faridun.